रसायन अमला पतंजलि या और टिप्स के बारे में कि इसमें हम डिस्कस करेंगे आंवला के क्या फायदे, इसके पिया कैसे जा सकता है। भाई लोग बने रहिए, सतर्क रहिए और मेरे चैनल को नंबर वन बनाइए। लाइक सब्सक्राइब नहीं हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूले भाई लोग। तो हम बात करेंगे आज आंवला आंवला के बारे में, आंवला में क्या क्या फायदे होते हैं, आंवला खाने से इसका रोज पीने के क्या क्या फायदे। भाई लोग जिसके जिसके बाल उम्र के साथ गंजापन आ रहा है, उम्र के साथ गंजापन, बाल अपने बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसको ब्लैक कैसे करेंगे, तो वो विटामिन सी इसमें बहुत ही मात्रा से बने, बालों के लिए बहुत ही लाभदायक। जिसके बाल ड्राई हो रहे हैं, जिसके बाल जिसको डैंड्रफ है, बाल जड़ों से टूट रहे हैं या निकल रहे हैं, बाल निकल रहे हैं, तो इसके लिए मजबूत करने का काम विटामिन सी करता है और बालों को अच्छा तंदुरुस्त रहने में विटामिन सी का ये सबसे अच्छा उपाय। विटामिन सी आंवला के बारे में मिलता है, बालों के लिए मैंने तो बता दिया। तो आँखों के लिए क्या करते हैं, आँखों के लिए भी विटामिन सी बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है, आयुर्वेद में या मेडिसिन में बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो उसके लिए आँखों में जिसका जिसका उम्र से पहले ही चश्मा लगा है, इसको उतारने का काम 3 महीने में करेगा, इसको पीना कैसे मैं बताऊँगा, क्योंकि जो भी आँखों की जो नसें होती है उसको मुलायम करने में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड होता है अपना जो भी खाते हैं वो सब गंदा करने में ब्लड का भी बहुत ही बड़ा काम होता है। जैसे ही आप घर में अपने झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही पेट में सब जो बैक्टीरिया होंगे, जो भी रोग होंगे, जो भी पेट से समस्या है सब आंवला निकाल देगा। इसके ये फायदे हैं, पेट की जो भी समस्या होगी आंवला पीजिए, पी लीजिए, पेट की समस्या निकल जाएगी। आंवला पी लीजिए, बाल सफेद हो जाएंगे, बढ़ना चालू होंगे। बाल पी लीजिए, स्किन में कोई भी पिंपल्स नाम की चीज़ नहीं होगी। आपका चेहरा 100 साल रहेंगे ना, तभी भी आपका चेहरा ग्लो होगा भाई लोग, और बाल भी अच्छे से बढ़ेंगे, हड्डियाँ मजबूत होगी भाई लोग। इससे हड्डियाँ मजबूत होगी, जिसकी जिसकी जो भी आजकल सब केमिकली खाते हैं भाई लोग, केमिकल खाने के बाद हमारी जो हड्डियाँ होती है वो केमिकल से बनी होती है। तो आयुर्वेद में आपको सिर्फ आंवला रसायन गिलोई आपको यूज करना है, आपकी हड्डियों को तंदुरुस्त रखना है। तो भाई लोग ये सबसे अच्छा उपाय है, आयुर्वेद के साथ पी लेंगे तो आंवला रसायन के भी बहुत बड़े फायदे रहेंगे। तो ये हो गया इसलिए, और इसके नुकसान भाई लोग बहुत ही खतरनाक नहीं कहूँगा, सादे सिंपल नुकसान है। इसको पीना कैसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले इसको नुकसान देखते हैं, इसके नुकसान क्या क्या है। तो भाई लोग इसके नुकसान ये है कि आप इसको 15 ml या 18 से ऊपर है तो इसको 25 ml लीजिए, 18 से नीचे है तो 15 ml ही आपको लेना है। सुबह खाली पेट कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। सुबह उठना है, गर्म पानी लेना है, मीडियम पानी होना चाहिए, जस्ट उबाला भी ना हो। तो इस पर 15 ml मिला के आपको गिलास रखेंगे, कांच का हो, बर्तन का हो, पीतल का हो, लेंगे पी लेंगे तो बस नहा लेंगे, नहाने के बाद जरा भोजन करेंगे तो समस्या दूर हो जाएगी। और इसे नुकसान बताने की बात आई तो इसके नुकसान ये कि किसको किसको ये सूट नहीं होता, जो जो लो मोशन में आए, लो मोशन होगा या किसी का बहुत सर दुखेगा, बहुत सर दुखेगा, तो आपको जब से इसको रोक देना है, इसे इधर ही थम लेना है और अपने डॉक्टर की सलाह से इसको स्टार्ट करना है। इसके साइड इफेक्ट इतने भी नहीं है भाई लोग, 2-3 ही इसके साइड इफेक्ट है। तो इसको यूज कैसे करना है, सुबह उठकर आपको खाली गिलास लेना है, खाली गिलास में थोड़ा उबरा हुआ पानी, थोड़ा ही उबरा हुआ पानी होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इसको 25 ml या 15 ml इसको लेना है, 18 के ऊपर के हैं तो 35 ठीक है, 18 के नीचे हैं तो 15 ml इसको लेना है। तो भाई लोग जाते समय मेरा वीडियो कैसे लगा, जाते समय सब्सक्राइब शेयर करके चैनल को नंबर 1 रहे और नया कोरोना वायरस आए